विधिक सेवा सप्ताह का हुआ समापन, लोगों को विधिक सेवा के कार्य से किया लाभान्वित। समापन समारोह में कई न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी रहे उपस्थित। विधिक सेवा सप्ताह का आज समापन हुआ और समापन समारोह में आज न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारीगण शामिल हुए। इस विधिक सेवा सप्ताह में कई लोगों को विधिक सेवा से लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में एक मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर गांव गांव ढाणी ढाणी में सेवाओं के लिए जागरूक किया गया। माननीय रालसा के निर्देशन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा दिनांक 12 तारीख को विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया, जो एक सप्ताह का था। आज दिनांक 18 को विधिक सेवा समापन समारोह में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जो अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, अजमेर के समस्त न्यायिक अधिकारीगण, समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्य विभागों से पधारे हुए प्रतिनिधिगण, एनजीओज और हमारे पीएलवीज, पैनल एडवोकेट्स, इन सब की गरिमामय उपस्थिति में हमारा विधिक समापन समारोह बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें पूरे सप्ताह भर में हमने हमारे जो न्यायिक टीम है, न्यायिक सदस्यों की जो जजेज हैं, उनकी टीम बनाई थी हमने, उन सब टीम ने 38 कैंप आयोजित किए, जिसमें हमने 6600 लोगों को विधिक सेवाओं की जानकारी से लाभान्वित किया। इसके अतिरिक्त जो हमारा इसी क्रम में दिनांक 9 से और 18 तक का डोर टू डोर कैंपेन चला है, उसमें हमने लगभग 13,701 लोगों की विधिक सेवा की जानकारी के रूप में पहचान की, उनको जानकारियाँ उपलब्ध कराई। 161 लोग ऐसे चिन्हित किए गए जिन्हें फ्री लीगल एड की आवश्यकता है, उन्हें मोटिवेट किया गया, उन्हें प्रोसीजर समझाया गया और उनको आगे के लिए सारी शर्तें समझाई गई और पात्रताएं बताई गई। इसके अतिरिक्त हमारी विभिन्न तालुकाओं में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। हमने जब शुभारंभ किया था उसमें बच्चों की जागरूकता रैली एवं मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके पैम्पलेट द्वारा, मीडिया के द्वारा और अधिक से अधिक वाद विवाद के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा इसका विधिक सेवाओं का प्रचार एवं प्रसार किया गया, जिसका बड़ा सफल आयोजन आज माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री विनोद कुमार जी भारवानी साहब की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसमें बड़ी अधिक संख्या में लोग पधारे, हम उन सबका भी साधुवाद करते हैं। मीडिया पर्संस का भी अत्यधिक प्रशंसनीय सहयोग रहा उसके लिए भी, और विशेष रूप से जो हमारे पीएलवीज हैं, जिन्होंने वाकई में अथक प्रयासों के बाद इतना